सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं KWGT के पार्ट 3 के बारे में। एंड यहां पे आपको लुक काफी कमाल का देखने को मिल जाएगा। एंड इस सेटअप को आप अपने किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में यूज कर पाओगे। एंड यहां पे आपको कमाल के 200 प्लस डिजाइन देखने को मिल जाएगी, जिनको आप केवल एक क्लिक में कस्टमाइज कर पाओगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड अभी तक आपने समुराई एडिशन नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो मैंने होम स्क्रीन में फर्स्ट वाले डिजाइन अप्लाई कर रखी है उसका लुक और काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग सा कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपके स्मार्टफोन में जो भी स्टोरेज होगी यहाँ पे वो शो करेगा। एंड यहाँ पे क्लॉक विजिट भी आपको काफी कमाल के देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको एक 3D एनिमेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड आपके स्मार्टफोन में जो भी एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपनी कैटेगरी में चेंज हो जाएंगे। एंड कंप्लीट आपके सामने डिजाइन चेंज देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप जो भी थीम अप्लाई करोगे उसमें यार न्यू आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाएंगे। एंड जो भी आपके स्मार्टफोन में आइकन होंगे वो यार यहाँ पे आपको शो करेंगे। एंड कंप्लीट आपके सामने लुक चेंज देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर की होम स्क्रीन के बारे में, तो ये भी आपको काफी कमाल के देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको न्यू आइकन पैक डिजाइन देखने को मिल जाता है। एंड क्लॉक विजिट भी आपको यहाँ पे चेंज करके दी जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपके स्मार्टफोन में जो भी बैटरी परसेंटेज होगा यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ डिजाइंस देखने को मिल जाती है जो कि यार देखने में काफी अच्छी लगती है। एंड इनको आप केवल एक क्लिक में कस्टमाइज कर पाओगे। एंड यहाँ पे भी आपको न्यू आइकन पैक देखने को मिलता है जो कि यार देखने में काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही थर्ड लोग की स्क्रीन की बात करें वो यार कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट न्यू होम स्क्रीन डिजाइंस देखने को मिल जाती है। एंड इनको आप केवल एक क्लिक में कस्टमाइज कर पाओगे। आपको इनको कस्टमाइज करने के लिए सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाला आइकन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा थीम का। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने 200 प्लस आपको यहाँ पे डिजाइंस देखने को मिल जाएगी। एंड कंप्लीट आपके सामने UI भी चेंज देखने को मिल जाएगी। जो भी आपको अच्छी लगे उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। एंड मान लो मुझे ये वाले सेटअप अपने होम स्क्रीन के ऊपर ऐड करना है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल टैप करना है। एंड यहाँ पे आप जो भी थीम यूज करोगे वो यार लॉक रहेगी, उसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे अनलॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन इनेबल होगा, यहाँ पे वॉच ऐड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे टैप करोगे आपके सामने एक 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। एंड इस एडवर्टाइजमेंट को वॉच करने के बाद आपको हाथ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड ये वाली थीम आपके होम स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको न्यू डिजाइन देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको 200 प्लस न्यू डिजाइन देखने को मिल जाएगी, जिनको आप केवल एक क्लिक में होम स्क्रीन में सेट कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही गैलरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आइकन पैक को भी सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको हिडन एप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही अब बात करते हैं इस सेटअप को आपको इनेबल कैसे करना है। तो इस सेटअप को इनेबल करने के लिए आपको सिंपल प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करनी है। एंड ओपन करने के बाद आपको ये वाला नेम सर्च करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट लॉन्चर 2022। एंड यहाँ पे काफी कमाल का आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 200 प्लस डिजाइन देखने को मिल जाती है। एंड 1,000,000 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे डाउनलोड देखने को मिल जाता है। एंड 4.2 की आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिलती है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डिफॉल्ट लॉन्चर के ऊपर आपको इसको सेट करना है। सेट करने के बाद ये कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको न्यू डिजाइन देखने को मिल जाएगी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड अभी तक आपने समुराई एडिशन नहीं देखा हो तो एंड स्क्रीन में आपको राइट में एक वीडियो दिख रही होगी, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो।